हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। अच्छा आप काम तो है क्या? हेलो अब्दुल बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई, थोड़ा बाहर आ जाओ, आवाज आपकी साफ नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारे मतलब हाँ भाई, कौन? जी भाई सुबह बात कर रहे हैं। हाँ अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ। जी अब्दुल सलाम जी, आप कर कभी लिया? नहीं भाई। हाँ ना करे मैं आप बताए आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफ तो नहीं है? नहीं लेते थे, बताइए क्या। थोड़ी सी बात जाननी चाह रहा था आपसे। नहीं जानना चाहता था जैसे कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। कुछ लोगों का मानना ये है कि अल्लाह इंसान को जो है पैदा करने वाले उसके माँ बाप है। तो इसमें थोड़ी सी मेरी कंफ्यूजन ही हो रही थी। पैदा करने वाली जात को तो ना अल्लाह की है ना। देखिए, ये जो अल्फाज है ना, अल्फाज का ये खेल है। अल्लाह ताला जी ही सब कुछ, भाई अल्लाह ताला बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। लेकिन अब उसको अलग अलग जरियों से अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजता है। जैसे कोई इंसान है, तो इंसान को बेशक अल्लाह ने ही बनाया, लेकिन जो वो जना जाता है, वो अपनी माँ के पेट में भाई अपना वो पलता है। पलने के बाद भाई वो कुछ अपने जो उसका एक पीरियड होता है, उसके बाद भाई वो अपना आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसको बोलते हैं कि माँ ने उसको जना, माँ ने उसको पैदा किया। ठीक, तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से क्या आता है कि अल्लाह ताला ना तो किसी से पैदा हुआ है, ठीक, यानी कि अल्लाह को जी किसी ने भी पैदा नहीं किया है, जना नहीं है, ना ही अल्लाह को कोई ने पैदा किया है, बनाया है, और ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, और ना अल्लाह किसी को पैदा करता है। यानी कि जैसे अब बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया, ठीक, हम ये कहते हैं तमाम अच्छा इंसानियत को, तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से पैदा किया। एक होता है मतलब भाई वो जना हुआ पैदा करना, यानी जैसे एक माँ अपने पेट में बच्चे को जनती है, उसके बाद पैदा करती है, उस माने में नहीं है। अल्लाह जी ताला ना तो किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह किसी को पैदा करता है, ठीक। लेकिन आम तौर पर हम समझाने के लिए कहते हैं भाई जो ये जमीन है, आसमान है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जानवर, सबको अल्लाह ने पैदा किया, इसका माना ये अल्लाह ने बनाया, ठीक। तो ये एक अल्फाज का एक भाई वो इस्तेमाल होता है, टर्म है अलग अलग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस अकीदा ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ने खुद से मतलब खुद उसको मतलब पैदा किया जन के, माशाल्लाह, ऐसा अकीदा ना हो। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, बेटा पैदा किया, ठीक, वो लोग अल्लाह को माशाल्लाह गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ना तो किसी से पैदा हुआ है, ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। पैदा से अगर माना कि अल्लाह ने बनाया, तो उस माने में ठीक है, तकनीकी हाँ। लेकिन जना तकनीक हुआ मतलब एक होता है ना भाई, वो जना हुआ पैदा करना, वैसा पैदा नहीं किया अल्लाह ने, पैदा उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है अल्लाह उसमें ताला तो खाली कॉन्टेक्स्ट में कहता है क्या? कुन फयकून, बस काम हो जाता है। नहीं जैसे कि कुरान की एक आयत है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ पे अलग-अलग से तो इसमें थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पैदा करने जी, वाली यहाँ पे जात जो को तो पैदा मान का माना आएगा उस माने में भाई नहीं होगा कि अल्लाह ने खुद से माजल्ला मतलब वो इंसानों को पहले जना, जाना। उसके बाद पैदा किया, जिनों को पहले जना, उसके बाद पैदा किया, माजल्ला, ये अल्लाह की शान में तौहीन होगी। इसका माना तमाम अहले सुन्नत ने एक ही लिया है कि बेशक तमाम चीज का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सब कुछ बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लेकिन इसका जो माना है, एक देखिए, एक होता है पैदा करना और एक होती है पैदाइश, ठीक।
जैसे माँ जी अपने बच्चे को कैसे पैदा करती है, वो पूरी एक मतलब भाई उसमें आता है पैदाइश में, क्या बच्चा पहले उस कंडीशन में था, फिर उस कंडीशन, फिर पेट में बड़ा हुआ, फिर उसके आँख आए, कान आए, मुंह आए, वो पेट में पूरा बन गया, उसके बाद भाई वो पैदा हो गया। तो इस माने में अल्लाह ताला ने किसी को जन के पैदा नहीं किया है, अल्लाह ताला ने बेशक अपनी इबादत के लिए इंसानों को, जिन्नातों को मतलब भाई पैदा किया, बनाया, ठीक इस टाइप से है। ये खाली अल्फाजों का भाई इसमें ऊपर नीचे है। उर्दू में मायना ये आम तौर आमतौर पे पे जो लोग तो सोचते हैं यही कि पैदा का माना कि जैसे माँ बच्चे को मतलब भाई पैदा करती है, आमतौर पर लोग उसको ही बोलते हैं योर पैदा। नेटवर्क प्लीज मूव टू ओपन नहीं, एरिया। बेहतर तो लफ्ज यही है ना, तो अल्लाह ताला ने सभी इंसान जिंदा तमाम चीजों को उसकी तखलीक की पैदा करना है, ये तो एक अजीब लफ्ज लगता है, तो बेहतर देखिए तो यही है अलग ना अलग तकमीली जबान तो। में अलग अलग इसका मेरे भाई तर्जुमा होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप कभी मतलब भाई इस ट्रांसलेशन को मतलब भाई इस टाइप से वो नहीं पढ़ेंगे कि बर्थ, ठीक है, बर्थ जो होता है ना, पैदा जन्म वो अलग चीज होता है, जी एक होता है बनाने के बारे में। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं भाई ये जो पैसा कमाया है ना, इसको पैदा करने में खून पसीना लगाया है, अब क्या माज अल्लाह क्या वो पैसे को अपने पेट में मतलब जनरल भाई क्या वो जनता है 9 महीना, उसके बाद पैसों को भाई कमाई वो पैदा करता है। ये आमतौर पे कहते हैं कि भैया पैसा पैदा करना आजकल आसान नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं, तो क्या क्या इसका मतलब हम क्या ले लें। ये एक आम बोलचाल है इंसान को समझाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों को इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाँ, तो ये मैं जानना चाह रहा था, तो ये कह सकते हैं मतलब अल्लाह ताला के शान में कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इंसान पैदा किया है, ये कह सकते इसमें कोई हरज तो नहीं है ना, ये कहने में तो कोई हरज तो नहीं है ना, जैसे अल्लाह कहते कि भाई हमसे कोई सवाल करे कि भाई भाई आपको देखिए, किसने पैदा किया। तकलीफ करने के माने में अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है, सब कुछ पैदा किया है, सब अल्लाह की किताबें हैं, अल्लाह की मतलब जो कुदरत थी, मर्जी थे, हुक्म से उससे सब पैदा हुआ है, तो इस माने में आप बोल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने मतलब उसको जना और पैदा किया माज अल्लाह, ये अकीदा हमको नहीं रखना है, क्योंकि कुरान की साफ आयत है सूरह इखलास की कि अल्लाह ना तो खुद किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह ने खुद किसी को पैदा किया है। यानी कि मतलब माज अल्लाह जैसे औरतें होती हैं, पहले भाई वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, पेट से होती हैं, उसके बाद बच्चों को पैदा करती हैं, उस माने में नहीं। आपको भी हमने एक भाई वो मतलब एकदम आसान से एग्जांपल आपको दिया था, आम बोलचाल में हम लोग बात करते हैं ना भाई, ये मकान अकान जो तुम देख रहे हो, ये आलीशान, ये ऐसे नहीं बन गया, खूब पैसा भाई हमने पैदा किया, खूब कमाया है, तब जाके पैसा पैदा कर करके साला पैसा जोड़ जोड़ के मकान बनाया है। तो इसका माना कोई भी अकलमंद आदमी होगा वो ये कभी नहीं लेगा कि यार ये बोल रहा है इसने पैसा पैदा किया है, तो क्या इसने 9 महीना अपने पेट में रखा पैसा, उसके बाद पैदा किया? नहीं, आदमी समझ जाएगा इसने मेहनत की और पैसों को इसने मतलब भाई वो जमा किया, उस माने में वो कह रहा है कि मैंने भाई बहुत मेहनत से पैसा पैदा किया है, दिन रात एक कर दिया, ठीक है, कितना दूर दूर गया, कहाँ कहाँ सफर किया, तब जाके पैसे पैदा होते हैं। भैया ऐसे नहीं पैदा होते हैं, सर का पसीना बेटा पैर में आ जाता है, उसके बाद पैसा पैदा होता है। तो ये आम तौर पे आदमी कह रहा है, अब इसमें कोई अपनी अक्ल से ले ले कि नहीं, पैदा मतलब पहले उसने मतलब भाई वो जना होगा, वो प्रेग्नेंट हुआ होगा, फिर उसने पैसों को मतलब भाई पैदा किया होगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला भी कह रहा है कि अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मतलब बनाया, तखलीक की, तो इस माने में वो। हेलो हेलो, कहाँ गए भाई? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? हेलो,